हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, स्नेह बहुत मिल रहा है और आपके शानदार कमेंट से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न शुरू हो गया है और मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो में आपसे प्लांट के कौन कौन से हमें प्लांट्स लेने चाहिए इस सीज़न में, मैंने आपसे काफ़ी शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दिया है। तो मैंने सोचा कि अब प्लांटर की कमी ना हो जाए तो कौन सा हम प्लांटर बहुत आसानी से अपने घर से ले सकते हैं, वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे ऑयल केन है, ये 5 लीटर की ऑयल की केन है जिसे मैंने, ये आप देख रहे हैं निशान मैंने मार्कर से लगाया है। इसको कट करके हम इसका प्लांटर बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इसको गर्म चाकू की हेल्प से बड़ी आसानी से ये कट हो जाता है और ये मैंने बनाया है, कट करके बनाया है, ये आप देख रहे होंगे। इसको मैंने होल भी किए हैं, ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे को प्लांटर में करने के लिए। फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे पास जाली पड़ी थी एक, ये आप देख रहे होंगे टुकड़ा एक जाली का पड़ा था, इसको भी मैं इसमें यूज़ करूँगी और बहुत ही खूबसूरत एक ही प्लांटर बनेगा, तो मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जाली का टुकड़ा है, इसको मैं कुछ इसको इस तरीके से राउंड में फोल्ड करके इसको मोस्टिक सा मैंने बनाना है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार की वायर की हेल्प से आप देख रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इस जाली का पूरा एक रोल बना लिया है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने इस जाली को इससे होल करा था यहाँ पे, इससे इसको फिक्स भी कर दिया है और आप इसमें देख रहे होंगे प्लांटर में ड्रेनेज होल हैं, इसको मैं, ये नारियल के छिलके हैं, इससे इसमें कवर करूँगी। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, ये नारियल के छिलके हैं जिसको हमने मल्चिंग के लिए इस्तेमाल किया था। अब रेनी सीज़न शुरू हो गया है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी इसमें इसको फिल करूंगी मैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे मैंने इसमें कुछ लकड़ियाँ और नारियल के छिलके इसमें भर दिए हैं और अब मैं इसमें कोकोपीट इसमें भरूंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने इसको पूरा भर दिया है और अब आप ये देख रहे होंगे ये गार्डन सॉयल है, ये मैं अब इसमें इसको भरूँगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने इसको भर दिया है, पूरा फिल कर दिया है और अब ये गार्डन सॉयल आप देख रहे होंगे, इससे मैं प्लांटर को अब फिल करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे इसमें मैंने फंजीसाइड के तौर पे कुछ हल्दी पाउडर और नीम खली पाउडर मिला करके मैंने इस प्लांटर को भर दिया है और अब इसमें मैं लगाऊंगी प्लांट्स ये है मेरे पास सिंगोनियम का, इसको मैं इसमें लगाऊंगी अभी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे ये मैंने कुछ इसमें पानी में ही रखा था इसको कुछ समय पहले, जो रूट्स निकल आई हैं और कुछ मैंने अपने दूसरे प्लांट में से कटिंग करके निकाली हैं, तो मैं इसमें अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बारिश में ये जल्दी ही अपनी ग्रोथ भी पकड़ लेगा। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे ऑयल केनी, 5 लीटर की ऑयल केनी में भी हम बहुत सुंदर प्लांट्स लगा सकते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये आप देख रहे होंगे कोलियस का है, डेविल्स बैकबोन है और यहाँ टमाटर मिर्ची के भी हम इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं और ये देख रहे होंगे आप पर्पल हार्ट है, स्पेरेगस का है प्लांट, लोरोपेटलम है और ये आप देख रहे होंगे कलांचो का प्लांट भी लगा हुआ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इसमें हम इस साइज़ के छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप 5 लीटर की केनी में बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्लांटर आप लगा सकते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।